लाइफ मैजिक का खेल। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीबीसी ब्रेकिंग में एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अभिषेक बच्चन स्टारर फिल्म घूमर मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। और वहीं आप लोग बताएंगे कि अभिषेक बच्चन स्टारर फिल्म घूमर मूवी ने अभी तक बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है, और साथ ही साथ अभिषेक बच्चन स्टारर फिल्म घूमर मूवी को ऑडियंस कितने अच्छे रिव्यू दे रही है, और साथ ही साथ इस मूवी को जोरदार और शानदार के दिन आज के दिन कितने करोड़ रुपये की ओपनिंग हो रही है बॉक्स ऑफिस पर, और यह फिल्म को जो कि आज के दिन जो कि कितने अच्छे पब्लिक रिव्यू मिल रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग पे नए हैं तो जीबीसी ब्रेकिंग पे बने रहें ताकि हमारे ऐसी लेटेस्ट अपडेट बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस की आप लोगों को मिलती रहे सबसे पहले। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं, देखते रहेगा पूरा वीडियो। तो सबसे पहले आप लोगों को बताइए चले कि अभिषेक बच्चन स्टारर फिल्म घूमर मूवी, जिस मूवी का क्रेज और बस बहुत ही लंबे समय से बना हुआ था और ऑडियंस इस फिल्म को देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी थी। आप लोगों को बता दें कि अभिषेक बच्चन स्टारर फिल्म घूमर मूवी की स्टोरी बहुत ही प्यारी है और बहुत ही जोरदार है। इस मूवी में आप लोगों को जो कि एक इमोशनल टच देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ अभिषेक बच्चन ने वाकई में जो कि घूमर मूवी में जोरदार और शानदार तरीके से जो कि एक्टिंग करी है और सारी ऑडियंस का दिल जीतने में कामयाब रहे हैं। आप लोगों को बता दें कि अभिषेक बच्चन जो कि अब जोरदार और दमदार तरीके से एक्टिंग कर रहे हैं, और वहीं दोस्तों ऑडियंस उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद भी कर रही है। आप लोगों को बताइए चले कि घूमर मूवी जो कि एक बहुत ही जानदार फिल्म है और जोरदार फिल्म है, और वहीं आप लोगों को बताइए चले कि घूमर मूवी को जो कि डायरेक्ट किया है आर बाल्की ने, और आर बाल्की के डायरेक्शन में बनाई गई हर फिल्म है जो कि बहुत ही अच्छी रहती है और बहुत ही जोरदार रहती है। आर बाल्की अपनी हर फिल्मों में कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और ऑडियंस उसकी उनकी फिल्मों को इसी कारण और भी देखना पसंद करती है। आप लोगों को बताइए चले कि आर बाल्की स्टारर फिल्म जो कि घूमर मूवी जो कि एक जोरदार और शानदार फिल्म तो साबित हो ही गई है, लेकिन अभिषेक बच्चन और वहीं दोस्तों अमिताभ बच्चन ने भी इस फिल्म में जान डाल दी है, और वहीं दोस्तों ऑडियंस का दिल जीतने में कामयाब रहे हैं। आप लोगों को बता दें कि अमिताभ बच्चन की भी एक झलक इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगी, और वहीं दोस्तों घूमर मूवी में जो कि एक हैंडीकैप लड़की के ऊपर बनाई गई फिल्म है, इसमें एक लड़की रहती है जिसका एक हाथ नहीं रहता है, फिर भी वो जो कि इंडिया के लिए क्रिकेट खेलती है, और वहीं दोस्तों आप लोगों को बता दें कि वहीं ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। और आप लोगों को बताइए चले कि एक हैंडीकैप लड़की के ऊपर बनाई गई फिल्म घूमर एक जोरदार और धमाकेदार फिल्म है, और वहीं दोस्तों इस फिल्म को पब्लिक रिव्यू भी बहुत ही जोरदार मिल रहे हैं ऑडियंस की तरफ से, और ऑडियंस इस फिल्म को देखना भी पसंद कर रही है। वहीं आप लोगों को बताया चले कि इस फिल्म ने जो कि पहले दिन 3 करोड़ रुपये की ओपनिंग ली थी, दूसरे दिन इस फिल्म ने 1,25,00,000 रुपये का कारोबार किया था, और वहीं दोस्तों तीसरे दिन भी इस फिल्म ने 3,06,00,000 रुपये का कारोबार किया था। वहीं दोस्तों आप लोगों को बताया चले कि इस फिल्म ने अभी तक टोटल बॉक्स ऑफिस पर जो कि जोरदार और धमाकेदार तरीके से जो कि 25 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताया चले कि 25 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हो चुकी है घूमर मूवी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने घूमर मूवी देखी है तो आप लोगों को घूमर मूवी कैसी लगी, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और साथ ही साथ हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें। धन्यवाद। जय हिंद।